से नहीं उठेगा। सच कहती हो इलो, अब ये तसला उठाना बहुत भारी लगता है। तू मेरी जगह आ जा, मैं तुझे तसला भर भर के देती जाऊंगी। ना बाबा ना, इस काम से तो मुझे बहुत डर लगता है, कहीं किसी ईंट को पकड़ नहीं पाई और वो पेट पे जा लगी तो। अरे नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा, आ जा मैं तेरी जगह लग जाती हूँ। हाथी क्यों नहीं है, हैं? काम नहीं करना क्या, हैं? खड़े खड़े देख क्या रही है? काम क्यों नहीं करूंगी ठेकेदार जी? अरे तो करना है तो करती क्यों नहीं है? ओहो, इस पेट का इतना ख्याल था तो आई क्यों थी? मुझे वो छत पे ईंटें उठाने का काम दे दो, वो कर लूंगी। वाह, तेरे बाप का मकान बन रहा है ना, छत पे ईंटें उठाने का काम दे दो, हैं? इलो मेरी जगह पर आ जाएगी और मैं उसकी जगह चली जाऊंगी, काम तो होता रहेगा। अपने आधे दिन के पैसे ले और दफा हो जा, समझ गई? जब ये पेट खाली हो जाए ना तब आइयो काम करने। सुभाष! यस सर। इसको आधे दिन के पैसे दो और दफा करो, समझ गए? जल्दी आ जाते काम करने, तसला तक उठता नहीं है, काम करेंगे काम। गंगो मैंने तुझसे कहा था ना, तू पहले क्यों नहीं चली आई? इस काम से मेरा खून सूखता है इलो, कहीं ईंट इधर उधर लग जाए तो। अरे आकर बैठ तो जाती, बाकी हम लोग देख लेते। रोज तो काम पर आती हूँ, फिर भी इसने निकाल दिया। बारिश शुरू होने वाली है ना, अब इसे काम निपटाना है, अब ये जल्दी मचाएगा ही, इसलिए तुझे निकाल दिया। जो छुट्टी मिल गई थी तो घर क्यों चली आई, कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लेती। गई थी काम मांगने, अब इस हालत में कौन काम देगा मुझे? अरे 10-15 रोज अगर मजूरी के निकल जाते तो क्या मुश्किल था। जहां भी जाओ ये ठेकेदार कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलने लगते हैं। हाँ तो उसे क्या, गर्भ वाली औरतें बच्चा जन्मने वाले दिन तक काम करती रहती है। 3-3 आदमी खाने वाले और कमाने वाला मैं अकेला, ऊपर से चौमासा। अरे तेरे काम पर भी तो पैसे लगेंगे, कुछ खर्च होगा। वो तो है, पर करें क्या। सुन, तू गांव चली जा। गांव में मेरा कौन बैठा है? अरे तू पहले से ही सब पाठ पड़े हुए है क्या? तो तुम ही बताओ ना कहाँ जाऊँ। अगर तू इस हालत में वहां जाएगी तो वो लोग तुझे घर से निकाल देंगे क्या? देखो मैं कहीं नहीं जाने वाली और तू मुझे इस हालत में दूसरे के दर पर भेज रहा है। तुम्हारा भाई तो वैसे ही जमीन पर पांव नहीं रखने देगा, दो दफा तो वैसे ही लग मर चुका है तुमसे। गांव चली जा।
तो तू ही बता यहाँ क्या करेगी। कुछ ही दिन की तो बात है। कुछ दिन की क्यों, बच्चा हो जाने के बाद ही बरसात तो बंद नहीं होगी, पूरे 4 महीने तक काम ठप रहेगा। तो बताओ क्या करें। अरे मेरे काम का भी तो कोई ठिकाना नहीं है। तो तेरे काम को क्या हुआ? आज सुना है सरकार पूरी सड़क 3 दिन में पूरी कर डालना चाहती है, बरसात आने वाली है, कल से ज्यादा मजदूर लगाएंगे और सारा काम 3 दिन में निपटा लेंगे। पर मरम्मती का काम तो चलता रहेगा ना? अरे मरम्मती काम से 3 जीव खा सकते हैं क्या? माँ भूख लगी है, खाना देना। बच्चे क्या करेगा, छोटा सा तो है अभी। क्या छोटा सा है, चंगे भले आदमी का राशन खाता है। क्या कहते हो जी, अभी सड़क पर भी चलता है तो मेरा हाथ पकड़कर, ये क्या काम करेगा? इस जैसे सभी लड़के तो काम करते हैं। देखो जी, कमाऊ बेटा किसे नहीं अच्छा लगता, पर रिश्ता घीसु भैया कहाँ रहते हो आजकल? अरे मैं तो तुमसे ही मिलने आ रहा था भैया। अच्छा अच्छा, वो तुम इसे थोड़ा काम सिखा दो। देखो तुम्हारे साथ घूमेगा फिरेगा तो थोड़ा बहुत पालिश वालिश करना सीख जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम इसके लिए छोटा मोटा सामान भी खरीद लेना, बस ये काम करना सीख जाएगा तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सिखा दूंगा इसे काम, 2 दिन में ट्रेंड कर दूंगा। ठीक है, चल बेटा आज से मेरे साथ चल। पहले जूते पर खाली ब्रश फेरो। अच्छा? ताकि उसकी धूल मिट्टी साफ हो जाए। देख हो गई ना धूल मिट्टी साफ? हाँ। एक की साफ करके दूसरी पर फेर। अच्छा, ठीक है। देख कालेश है? अच्छा। अब ब्रश के इसी कोने से जूते पर पॉलिश लगा। ठीक है। पॉलिश पहले एक पे, अगर इस पर लग जाए तो हम लगाएंगे दूसरे पर।
हंसने वादे प्यार वफा सब बात है बातों का क्या। पालिश। और जब दोनों जूतों पर पालिश लग जाए तो दूसरे ब्रश से इसे चमका दबा के खचा खच खचा खच खचा खच एकदम शीशे की तरह चमकेगा ये देख। और हाँ एक गुड़ की बात और सुन, अगर कभी ज्यादा पालिश लग जाए जूते पर तो दो बूंद पानी डाल के कपड़ा मार दे साले पर, सब बराबर हो जाएगा। और ये देख चमक गया शेख का जूता। पालिश मैं दे कर आऊं। दे पालिश। पैसे सब पे नए नए खिलौने देखे, मैंने वहाँ पे नए नए कपड़े और नए जूते भी देखे। माँ मैंने सारा काम सीख लिया। अच्छा और बताऊँ गणेशी चाचा कैसे बोलते हैं? बुट पॉलिश। तुम्हारा लाडला काम सीख गया है, अब ये हमें कमा कर खिलाएगा। अरे कुछ पैसे वैसे भी कमा के लाए या सिर्फ काम ही सीख कर रहा? बप्पू तुम्हारा जूता पॉलिश कर दूं? पहले जूते को पोंछते हैं, फिर पॉलिश लगाते हैं, फिर क्रीम लगाते हैं। अरे बस 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 बस, किसी बाबू के जूते पॉलिश करना जो तुझे कुछ पैसे भी देगा। हाँ जूता पॉलिश होगा सेट, इस पर क्रीम लगाएंगे, शीशे की माफिक जूता चमचम करेगा, इस पर क्रीम लगाऊं सेट, पॉलिश पॉलिश पॉलिश। अरे कल अपने आप गणेशी चाचा के यहाँ पहुंच जाना और कल कुछ पैसे भी कमा कर लाना, खाली हाथ वापस मत आना, समझा? गणेशी चाचा पॉलिश करने के 2 रुपए लेते हैं, कभी कभी 1 रुपया भी ले लेते हैं। अभी से कैसी सयानी बातें करने लगा है ये। चल बेटा खाना खा ले।
गणेशी चाचा आए थे। कौन गणेशी? जूते पॉलिश करते हैं। आपका जूता पॉलिश किया था। चल भाग जा यहाँ से। जूता पॉलिश होगा? पॉलिश? सुन जरा मेरे कर दे। सेठ जी पैसे की चिंता मत कीजिएगा। कितने पैसे लेगा? जो खुशी हो दे देना। हाँ बाद में मुझे घिचकिच पसंद नहीं है। अच्छा सुन जरा बढ़िया करना। हाँ अच्छा। दिखाइएगा जरा। अबे साले इधर क्यों आया? ये तो हमारी गली है, इधर तो हम काम करते हैं। माँ, अबे साले, चल दे दे इसकी रोटियाँ। अबे दे दे साले, नहीं ऐसा मारो नानी याद रहेगी। अबे ले, अबे इतनी सी बात पे रोता भी है? हमारे साथ घुमा कर, हम भी बोट पॉलिश करते हैं। वो देख, चल आजा। खबरदार अब जो इसको हाथ लगाया अब से ये हमारा साथी है। चलो दोस्ती कर ले, बड़ा हाथ। Thank you.
कुछ पता चला? नहीं। गणेश ने कुछ बतलाया? उससे तो मिला ही नहीं, उसके घर पर पहुंचा ही नहीं। अरे अपने आप आ जाएगा, वो किसी दिन अपने आप आ जाएगा, तू चिंता नहीं कर। अरे मुझको काम सिखाने कौन आया था तू ही बता, सभी लड़के तो गलियों में ही सीखते हैं। छोटा सा तो है अभी, लेकिन मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, घीसू का बेटा है, मरेगा नहीं वो, कभी ना कभी तुझसे मिलने जरूर आएगा। इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पता नहीं किस साल में होगा, और ऊपर से ये बारिश थमने का नाम नहीं लेती। इस तरह रोते नहीं, इस तरह रोते नहीं है, तू कुछ समझा कर। अगर वो तेरे सामने यहाँ पड़ा रहता तो तू उसे खिलाती कहाँ से? भूखा प्यासा रहता तो तुझे अच्छा लगता क्या? अब कम से कम कुछ। मैं क्या जानू, पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, किस हाल में होगा। ऊपर से एक जीव और आ रहा है, तू ये नहीं सोचती? बारिश रुकने तक ये झोपड़ा ही सही सलामत रहे तो बहुत बड़ी बात होगी। अंदर करवटें ले रहा है, हिल डुल रहा है। संसार का द्वार खटखटा रहा है। ये क्यों बाहर आने के लिए इतना बेचैन हो रहा है? क्या मिलेगा इसे यहाँ?